पर यहाँ पर फिलहाल जो क्रेजी आर्मी है ये लो भाई काउंटडाउन 10 से काउंटडाउन करेंगे ठीक है मैं नहीं आप लोग करेंगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस जैन It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money. Things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you're still gonna take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. Away from me. And I know you think you're still gonna take advantage. Hamid Bhaiya! Hamid Bhaiya! So, abhi, इससे पहले आप अमित एंड पूरी टीम से मिले ये लोग मतलब बात करें ये लोग चाहते हैं नीचे आके आप लोगों से मिलना ठीक है सो लेकिन शर्त एक है बैरिकेडिंग्स का ध्यान रखना है प्लीज बैरिकेडिंग से थोड़ा पीछे हट जाओ यार प्लीज पीछे हट जाओ यार ये मेरी बात नहीं मान रहे अच्छा अमित भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे इनको आप खुद बोलोगे ना तभी ये मानेंगे है ना ये सब लोग तभी मानेंगे आपकी बात हेलो लकी भाई थैंक यू सो मच हेलो गाइस मैं हूं भाई साहब बहुत जबरदस्त वाली फीलिंग आ रही है यार अपनी फैमिली को क्रेजी फैमिली को मेरी आंखों के सामने देखकर क्या बात है यार आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई और सभी को सबसे पहले थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए और भाई यार हाँ जी भाई प्लीज थोड़ा सा बैरिकेडिंग का ध्यान रखो यार है ना वो टूट जाएगी कितना धक्का मारोगे तो यार हेलो यार देखो सभी लोग प्लीज अपना अपना भी ध्यान रखो और बैरिकेडिंग का भी प्लीज हाँ कोई नहीं है शांति से अपन यहीं पे हैं कोई टेंशन नहीं है मस्त बात करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके सामने मजा कितने लोग हैं हमारी फैमिली के इतने लोग भाई बिल्कुल हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं सो अच्छा अभी आप नीचे जाके मिलने वाले हो सबसे बिल्कुल एक बार यार हाँ ये देखो पीछे हो जाओ नीचे नहीं आ पाएंगे मैं चाहता हूँ कि है ना देखो जब हम अच्छी चीज सोच करके कुछ करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होता है और इसीलिए मौसम भी भगवान ने ऐसा कर दिया है कि आप सबको भी गर्मी ना लगे और हमें भी गर्मी ना लगे देखो कितना मस्त वाला मौसम हो रखा है और ये आज ही का दिन होना था अगर आपको पता है तो बढ़िया है नहीं पता है तो बताता हूँ यहाँ पर ये चीज है मैं थोड़ा पास आता हूँ आपके यहाँ पर ये एक चीज है ये एक एंगल ग्राइंडर है चलो देख लो भाई ये वो पहली चीज है ये वो फर्स्ट चीज है जहां से क्रेजी एक्स वाई जेड की स्टार्टिंग हुई थी वो इसी मशीन से बनी थी और ये मशीन जो है वो जो पहली चीज बॉल काटी थी इससे फर्स्ट में जो क्रेजी एक्स वाई जेड के लिए पहली चीज लेके आया था कुछ भी एनीथिंग वो ये वाली चीज थी उस टाइम चैनल का नाम जो है वो ब्लेड एक्स वाई जेड था तब इसीलिए ये जो एंगल ग्राइंडर है भाई ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए मुझे तो आप देख सकते हो भाई और आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हो जो शुरुआत है इस एक चीज से हुई है यानी कि कोई भी चीज कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती अगर आप कोशिश करते हो किसी चीज के लिए और अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो आप कुछ भी पा सकते हो दुनिया में आकर
के जो माहौल बना चुके हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ अमित और यहाँ पर फिलहाल जो क्रेजी आर्मी है वो आपके सामने है। ठीक है भाई, अब आउट्रो भी देना है तो आज के लिए बस इतना ही, अभी नहीं बोलेंगे इसको गाइस, बाद में बोलेंगे। चलो अच्छा ठीक है भाई। हाँ अरे भाई हेलो इधर, अभी अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पे कुछ। पहली बात ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर भी कर रहे हैं या वीडियोस में भी कर रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी ट्राई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग आए हैं तो हम शुगर को डाला इस प्लेट के अंदर और इसको मैं खा भी सकता हूँ क्योंकि ये शुगर है। नॉर्मल चीनी दुकान से लाया था, उसको पीस दिया है। यहाँ पर हमारे पास में इस दूसरे बाउल के अंदर हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी इसके अंदर है पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्रेट है गाइस, वो भी दिखने में चीनी जैसा ही दिख रहा है और इसको जो है थोड़ा टाइम हो गया तो इसमें जम गया है। गाइस पहली बार लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों चीजें हैं तो अब दोनों चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोटेशियम नाइट्रेट है, एक बार इसको चलाओ, एक बार गैस टॉर्च जलाओ। गाइस जो चीनी होती है, अगर आप उसमें कुछ आग वगैरह लगाते हो कुछ नहीं होता है, अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट में आग लगाते हो कुछ नहीं होता है। हाँ जी ना भाई, पोटेशियम नाइट्रेट किसी को नहीं खाना और पोटेशियम भी किसी को नहीं खाना। भाई बिल्कुल, ये पता है ये जो चीज आज हो रही है ना, हम तो रोजाना इस चीज को जो है फेस करते हैं, ये बीटीएस है, नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ऐसा होता ही है। अपन अगर आपको वीडियो अगर 10 मिनट की दिखती है, 15 मिनट की दिखती है, उस वीडियो को शूट करने में कम से कम भी लेकर आप मानो कि 2-3 घंटे तो लगते हैं शूट में मिनिमम, जो सबसे जल्दी हो जाती है। और कोई कोई वीडियो भाई सीरियसली हमारी 5-10 दिन तक एक वीडियो में लग जाता है। आपको दिखेगा कि 10 मिनट ही है बट ऐसे बहुत सारे फेलियर्स भी हो जाते हैं। अब देखो बेस्ट टॉर्च ही चालू नहीं हुआ, हम तो पूरा तैयार करके आए थे लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी कोई दूसरी चीज़ आ जाती है। तो ये सब रैंडम होता है और यही यार मज़ा भी है इस काम का कि हमको कुछ पता नहीं होता, हमको ये नहीं पता कि कल हम क्या वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना पता है कि जो भी बनाएंगे वो मज़ेदार बनाएंगे, आपको मज़ा आएगा। कुछ नहीं हो रहा है, ये गैस टॉर्च दूसरे केमिकल पे गई, कुछ नहीं हुआ चीनी और पोटेशियम नाइट्रेट पे। लेकिन अब करेंगे दोनों को मिक्स, यहाँ पे हम नहीं है इसको जो हाथ से मिक्स कर सकते हैं, इसको बढ़िया से इवनली मिक्स कर। गाइस आप देखना कि क्या होगा जब ये बढ़िया से मिक्स होगा, दोनों में आग लगा करके कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो साइंस है वो काम आएगा यहाँ पे। एक्चुअली में जो चीनी होती है वो एक बहुत अच्छे फ्यूल का काम कर सकती है अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो हम पोटेशियम नाइट्रेट डाल करके उसको यहाँ पर जो है एक फ्यूल बना रहे हैं। आपको पता है रॉकेट फ्यूल का मालूम है, हम लोगों ने रॉकेट्स बनाए उसमें रॉकेट फ्यूल यूज किया है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है, ये बस ये दो ही चीजें उसमें। लेकिन काफी लोगों को पता गाइस ये लगता है कि हम लोग कर रहे हैं उसमें पता नहीं हमने छुपके से कुछ डाल दिया होगा, आज छुपके कुछ नहीं है, आपके सामने दोनों चीजें हमने मिक्स करी हैं, बढ़िया से मिक्स करना इनको बहुत जरूरी है। और गाइस ये जो मिक्सर है वैसे तो मिक्सर में मिक्स होना चाहिए या फिर इसको बहुत देर तक मिक्स करना पड़ता है, बट स्टिल साइंस ये कहता है कि अभी भी ये काम करेगा। और आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, मैंने इसको अपने हाथ से मिला दिया, जो जो केमिकल्स हैं वो इतना डेंजरस हैं। नहीं एक सेकेंड, अब मुझे अपने अपने हाथ से इसको हटाना पड़ेगा। कैसे नॉर्मल या सॉलिड चलेगा? ये भैया बोल रहे ब्लास्ट होगा, आप क्या कहते हो? नॉर्मली चलेगा, ब्लास्ट होगा। ठीक है भाई, अभी आपके सामने हो जाता है, सब लोग दूर हो जाएंगे, कोई ट्राई नहीं करेगा। चीनी है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये लो भाई। कितना जबरदस्त तरीके से जला है,
और सारी की सारी जो चीनी थी और सारा जो पोटेशियम नाइट्रेट था वो एक झटके में लगभग 2 से 3 सेकंड में खत्म हो गया। पानी ये और ज्यादा बढ़ जाती है। Thank you.